सो देखो भाई, जैसे एक्स ग्रुप के लिए यहाँ पे अपना बेलगाम सीरीज चलते हैं, वैसे ही यहाँ पे आज से डिस्कस करेंगे वाई ग्रुप के लिए। करेंट से मैंने स्टार्ट किया है, स्पेशली यहाँ से करेंट आउट ऑफ नहीं जाने वाला, और अवधि एंड नलिया सेंटर पे आपका ट्रेनिंग होता है। सो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा, एयरफोर्स वाई ग्रुप करंट अफेयर क्लास और अवधि एंड नलिया सेंटर। मीन्स टारगेट अपना यही है कि अपने को अवधि जाना है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड डेफिनेटली मैंने ट्राई है कि इससे आउट ऑफ मतलब ना जाए, और अभी पार्ट फर्स्ट होने वाला है। मैंने आज 20 क्वेश्चंस लिए हैं, एक क्वेश्चन आपसे आस्क करूंगा, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे दे लूंगा, और यहाँ पे केवल एक क्वेश्चन एक चीज़ ने डिस्कस करूंगा, बहुत अन्य सारी चीज़ें भी डिस्कस करूंगा। सो डेफिनेटली आप सभी अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना, मतलब कि आपको 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आ रहे थे ये डेफिनेटली बता सकते हो। और लास्ट के कुछ मंथ्स का मैं डेफिनेटली करंट का आपको कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट होता है एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम पे, स्पेशली एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम पे। क्योंकि अगर आप 25 नंबर राघा पे नहीं लाते देन आप वीक पड़ जाते हो, क्योंकि 25 और फिर इंग्लिश में 15-16 से ज़्यादा नहीं जाता तो फिर आपका थोड़ा सा वीक सेक्शन हो जाता है। 40 तक आते हो तो फिर दिक्कत ही का सीन क्रिएट होगा। तो मेरा टारगेट है 40+ आपको रहना है, तो करंट अफेयर भी आपको 2 से 3 नंबर फंसाने पड़ेंगे। सो वही यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पे, हु वॉज नेम द ई वाई वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। वर्ष 2020 की ई वाई वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर किसे चुना गया? तो देखो, किरण मजूमदार शाह को चुना गया है। आई थिंक आपका भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ था। देखो, 5 जून 2020 को जिसमें 46 एक इंटरप्रेन्योर है, ठीक है, 46 इंटरप्रेन्योर्स ने और जो 41 देशों से थे, ठीक है, 46 इंटरप्रेन्योर्स ने पार्ट लिया था, जो कितने देशों से थे, 41 देशों से सम्मिलित किए गए थे, और यह दूसरी महिला, मतलब कि इन्हें यह पुरस्कार मिला ई वाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और उसके बाद यह बता दूं, यह दूसरी महिला, इससे पहले जो फर्स्ट मतलब प्रथम महिला थी वो सिंगापुर की थी, उनका नाम था कुछ ओलिवा करके था, ओलिवा लूम ऑफ हेलेक्स ऐसा था, ठीक है, मैंने हाल ही पे क्वेश्चन पढ़ा था। सो लिख सकते हो ओलिवा करके था, ठीक है, ओलिवा लूम ऑफ हेलेक्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द मिस विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या है? सिंपल है, देखो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। मैंने बहुत सारे इसके बाहर के भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करता चलूँगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और पहला नंबर मैं बता दूँ, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम पूछा है, तो यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम था वो था सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। कहाँ कहाँ पे इस पर मीन्स मेन कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, तो जर्मनी प्लस कोलंबिया पे। अगर बात कर लेता हूँ 2018 पे, तो 2000 इंडिया पे मतलब 2018 पे इंडिया पे सेलिब्रेट, मतलब कि मेन इसका मतलब मान लो ऑर्गेनाइजेशन टाइप में जो मतलब कराएगा, ठीक है। दूसरा 2019 में चाइना में किया गया था, और इंडिया पे जब ये किया गया था तो किसके ऊपर फोकस किया गया था, तो इंडिया में थोड़ा प्लास्टिक के ऊपर फोकस दिया गया था कि प्लास्टिक वगैरह को कम करो, यूजेस कम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, FFC महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो FFC जो 2022 में होने वाला है उसकी मेजबानी भारत करेगा। भारत की कैपिटल इंडिया, बांग्लादेश की ढाका, इंडोनेशिया की जकार्ता, थाईलैंड की कुआलालंपुर, ठीक है, सॉरी, मलेशिया की कुआलालंपुर है, थाईलैंड की आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये, और इसका मैं बता दूँ थर्ड नंबर पे, 1979 के बाद भारत पहली बार इसकी मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर फोर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में, हाल ही में सुर्खियों में रही नई पहल स्वदेश का उद्देश्य क्या है? स्वदेश का पहला नंबर तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म से भी आपके एग्जाम पे क्वेश्चन बन सकता है, और आया भी है। कंप्यूटर से मैंने 2 बार देखा है, आपके एग्जाम पे CPU का फुल फॉर्म आ चुका है और HTML का आ चुका है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा? 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा कि विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत लाना, स्वदेश का यही मेन उद्देश्य था, और इसके अंतर्गत मतलब कि जो विदेश में फंसे हुए भारतीयों को भारत ला जा रहे उन्हें वर्क दिया, जिसका मैं फुल फॉर्म बताता हूँ स्वदेश का, तो वो हो जाएगा स्किल्ड वर्कर्स अराइवल, ठीक है, स्किल वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। लिख लिया आपने, स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, जो विदेशों से आ रहे हैं उनके लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर पढ़ते हैं। है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन है, नगर वन योजना के तहत वारजे शहरी वन देश के बाकी हिस्सों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करेगा। वारजे शहरी वन किस राज्य में स्थित है? तो बताओ किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र पे, जहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है आप बता सकते हो। और यहाँ पे अगर उनकी बात कर लेते हैं गवर्नर, देखो यहाँ पे अभी गवर्नर वगैरह भी डिस्कस करते चलना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर भी एक करंट क्वेश्चन में आएगा, ठीक है।
है, तो मैं फुल ट्राई करूंगा कि आपको बाहर से ना फंसे क्वेश्चन। भगत सिंह कोश्यारी के हैं, अगर बात कर लेता हूँ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर तो उद्धव ठाकरे, और इससे पहले देवेंद्र फडणवीस थे, ठीक है। और अगर एमपी के यहाँ पे बात कर लेते हैं एमपी के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो एमपी के अभी तक तो कमलनाथ थे, बट अभी जो मतलब चेंज वगैरह हो गए हैं शिवराज सिंह चौहान फिर से आ गए हैं। आप तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का नाम कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो। केरला के पिनारई विजयन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर पे 21 भारतीय लेखक ने प्रतिष्ठित राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 जीता है, उनका क्या नाम है, तो कृतिका पांडे उनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक लेखिका थी ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये पुरस्कार जो दिया जाता है वो 18+ एज के लोगों को ही दिया जाता है। किस राज्य की पुलिस बल ने तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए विशेष मतलब कि अभियान स्पंदन शुरू किया, तो वो सरकार है राज्य सरकार मतलब कि छत्तीसगढ़ की, कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की। और उसके बाद यहाँ पे देखो चीफ मिनिस्टर और यहाँ के गवर्नर भी आप सभी को पता होने चाहिए, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के तो भूपेश बघेल हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बगल में आपका पड़ता है झारखंड, तो वहाँ के रघुवर दास है, वहाँ का भी आपको पता होना चाहिए। सो छत्तीसगढ़ के चीफ मतलब कि ये छत्तीसगढ़ की मतलब पुलिस प्रशासन ने ऐसा कुछ काम किया है, कौन सी योजना स्पंदन शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो उनका नाम है जावेद अख्तर बने हैं, ठीक है। न रवीश कुमार, न नरेंद्र मोदी, न इरफान खान। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध गीतकार हैं जावेद अख्तर, उन्हें देखो 1999 ईस्वी में पद्मश्री भी मिल चुका है, 1999 में पद्मश्री भी मिल चुका है इन्हें जावेद अख्तर को। और इन्हें और भी पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि इन्हें साहित्य अकादमी और पद्म भूषण पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय जहाज केसरी किस मिशन के तहत कोविड-19 संबंधी दवाएं प्रदान करने के लिए सेशल्स पहुंची। अभी आज मैंने जब क्वेश्चन टाइप कर रहा था तो मुझे ये क्वेश्चन ऐसा लगा कि आज का बेस्ट क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम पे आ सकता है, तो मैंने टेलीग्राम पे इस क्वेश्चन को टाइप करके जाकर डाला, जाके जब वोटिंग हुई तो इसमें मिशन राहत, क्योंकि कुछ दिनों पहले नेवी ने ये मिशन राहत नाम का योजना चलाई थी ना, मतलब आया था न्यूज वगैरह पे आया था, तो भैया सब 50% वोट इस पे हुए थे और 23% केवल इस पे वोट हुए थे। तो ये आपकी प्रिपरेशन है, मतलब जो दिमाग में घुसा पड़ा है बस उतने से ही काम चला रहे हो, थोड़ा सा स्टडी कर लो भाई, ठीक है ना। और इसका PDF मैं अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे ही दूंगा, तो आप नहीं ज्वाइन किया हो तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस शहर को उत्तराखंड की मध्यकालीन राजधानी घोषित किया गया, तो वो है गैरसैंण। अगर उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ के चीफ मिनिस्टर, अगर बात कर लेते हैं वहाँ की अगर गवर्नर की तो बेबी रानी मौर्य हैं, और उन्होंने ही एक काम किया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, पोलोमी घाटक ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है, तैराकी से संबंधित है। तो देखो चाइना का अगर नेशनल गेम की बात कर लेता हूँ तो टेबल टेनिस ही है, इंडिया का क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है और इंग्लैंड का क्रिकेट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा, तो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12, कि पोलियो मुक्त घोषित किया गया अफ्रीका महाद्वीप का अंतिम देश कौन सा है, तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लास्ट वाला देश है वो नाइजीरिया है। नाइजीरिया है, कौन सा देश है, नाइजीरिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सामाजिक न्याय मंत्रालय की नई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का नाम क्या है, ठीक है। क्वेश्चन 13 पे तो देखो 13 का ऑप्शन नंबर राइट होगा सी, किरण नाम है। क्या नाम है, किरण। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मीन्स व्यवस्था लॉन्च की गई है जिसका नाम है किरण। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया था, वो नंबर है 1800-599-0019, ठीक है। ऐसा कुछ था, मतलब ऐसा कुछ नहीं, यही राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में बनाया जा रहा है, मणिपुर, केरला, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केरला, और यहाँ पे आपको बताना है मुझे कमेंट में वेस्ट बंगाल के आपके गवर्नर हैं वो कौन है। केरला का राइट आंसर इस क्वेश्चन का केरला हो जाएगा। और देखो इसका उद्देश्य है कि महिलाओं की उद्यमशीलता में तेजी लाना और नए नए कारोबार शुरू करने के लिए महिलाओं के लिए और घर से दूर उनके सुरक्षित व्यवस्था किया जाना, मतलब उनके लिए सुरक्षा के कड़ी मतलब व्यवस्था किया जाना, कुछ ऐसा उसका मोटिव है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 पर जाने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ,
कि परीक्षा ऐप पे जाके ऑनलाइन टेस्ट लगाओ। ऑनलाइन टेस्ट लगाने के फायदे बहुत सारे हैं। पहला नंबर तो मैं उसके फायदे बता देता हूँ, वहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगा, सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात और बता देता हूँ, जैसे कि आप वहाँ पे ये देख पाओगे कि आपका रैंक एक वहाँ पे 2 लाख कैंडिडेट तक है टेस्ट लगाने में ऑनलाइन, तो आप ये देख पाओगे कि आपका रैंक कितना आ रहा है, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख के ऊपर आ रहा है, फिर तो आपका 2 लाख में 1 लाख के ऊपर आ रहा है, तो फिर नहीं निकलने वाला रिटर्न, आपकी प्रिपरेशन बहुत वीक है। बाइक करते समय कैसे क्या बाइक करना होता है मैं बता देता हूँ। परीक्षा ऐप इंस्टॉल करना, डिफेंस सेक्शन के ऊपर सेलेक्ट लेना, सेलेक्ट करने के बाद नीचे टेस्ट सेक्शन देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे आ जाना होगा, उसके बाद टेस्ट सेक्शन में आओगे जैसे ही, तो देखो नवंबर के लिए स्पेशल यहाँ पे 20 टेस्ट लॉन्च किए गए हैं, लेकिन अगर ये बाई करना चाहो ये कर सकते हो, अदरवाइज आपको बताता हूँ। ये देखो ये एक्स ग्रुप वाले 40 टेस्ट हैं और वाई ग्रुप के लिए 40 टेस्ट हैं, तो वाई ग्रुप के लिए तो स्पेशली 40 टेस्ट हैं, और आपने पहले कभी बाई कर रखा है तो कुछ नहीं, एक्सप्लोर के ऑप्शन में केवल 110 रुपये पे करने पड़ेंगे और सारे के सारे टेस्ट आपके एक्टिव हो जाएंगे। नहीं किया तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, जैसे आपको ये केवल 20 टेस्ट बाई करने हैं तो 20 टेस्ट के सामने यहाँ पे शो का ऑप्शन है, शो पे जैसे ही क्लिक करोगे, शो पे क्लिक करने के बाद कुछ आपका इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएंगे, पे एडवांस सप्लाटा कार्ड, तो यहाँ पे एडवांस के बाद कूपन कोड आपका ऑप्शन आएगा, पे एडवांस पे जैसे ही करोगे तो ऑनलाइन D50 डाल देना और सामने अप्लाई का ऑप्शन होगा, अप्लाई करोगे तो जो टेस्ट सीरीज का प्राइस होगा 280 से 140 रुपये हो जाएगा, और उसके बाद 140 रुपये का आप पे करके अपने को जान सकते हो, परख सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। इस टाइप में आपको कूपन कोड डालना होगा, बाकी यही सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप ऑनलाइन टेस्ट लगाओ, अपना रैंक जानो, कोई दिक्कत है तो कमेंट में स्कोर करके मुझे बताओ कि अंशु भाई मैं बाई नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आप नंबर कमेंट करो, मैं कॉल करके आपको बात कर लूँगा, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ऑनलाइन लगाने के फायदे, टाइम मैनेज करना सीख जाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग मैं कहता हूँ इंग्लिश फिजिक्स मैथ टेक्निकल का बोल रहा हूँ, ठीक है, या फिर आता है अपना ये रागा, तो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग आपका रागा होता है, क्योंकि रागा पे आपका रीजनिंग तो टफ होता ही है, मतलब कि थोड़ा घुमाव वाला, और साथ में ये दे देते हैं अपने साथ में उसमें मैथ के 5 से 6 क्वेश्चन, तो वो थोड़ा सा हो जाता है लेंदी, तो आप उसे थोड़ा सा मैनेज करना, टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। पैसे और 140 रुपये कुछ नहीं होते, आई थिंक अपने लिए खर्च कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए नहीं। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रीपियडर्सन इंडेक्स EPI 2020 में किस भारतीय राज्य ने टॉप किया है, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। सो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो राज्य आपका गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में स्वास्थ्य कारणों के कारण शिंजो आबे ने PM पद से इस्तीफा दे दिया, वे किस देश के PM थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयरफोर्स में इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये केवल मतलब के लेवल के अकॉर्डिंग का क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका जापान हो जाएगा, ठीक है। जापान के थे, जैसे थोड़ा सा तबीयत खराब हुई उन्होंने अपना मतलब इस्तीफा दे दिया है, और मैं बता दूं अभी तक जितने भी PM रहे सबसे ज़्यादा दिन तक ये रहे भाई 2803 दिन तक रहे, कितने दिन तक 2803 दिन तक ये रहे हैं PM। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या है, Picoty.com के सर्वेक्षण में औसत मासिक वेतन के मामले में विश्व स्तर पर भारत का स्थान क्या है, तो विश्व स्तर पर भारत का मान है आपका 72, ठीक है। अगर पहले नंबर पे बात कर लेता हूँ तो पहले नंबर पे आपका स्विट्जरलैंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सॉफ्टवेयर उत्पादों में शामिल स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता चुनौती लॉन्च की, ठीक है। तो देखो इसका मैं बता दूं यहाँ पे क्या है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सॉफ्टवेयर उत्पादों में, तो क्वेश्चन 18 का देखो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री आपका रविशंकर प्रसाद है, तो उन्होंने ये काम किया था कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए चैलेंज प्रतियोगिता मीन चैलेंज कंपटीशन को लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 19, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख से बढ़ा के, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार मिला था रोहित शर्मा को क्रिकेटर्स में, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो 7.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो अभी कर दी गई 25 लाख रुपए, और अर्जुन पुरस्कार की राशि जो 5 लाख रुपए थी वो भी कर दी गई है 15 लाख रुपए। अगर द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात कर लेते हैं जो शिष्यों को दिया जाता है, मतलब कि गुरुओं को दिया जाता है सॉरी, ठीक है, तो उनकी राशि भी कर दी गई है 10 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी सेवा के लिए भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी सेवा के लिए भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा, चाइना, इंग्लैंड, रशिया, फिर अमेरिका। क्या होगा राइट आंसर कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना क्वेश्चन नंबर 20 का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद। ऑनलाइन टेस्ट लगाओ और अपना स्कोर बताओ, और अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 डालना मत भूलना, इससे 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जय हिंद।